हमारे शास्त्र हमारे जिंदगी में भी हमेशा सारे लोग के मुंह से आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो तो जिंदगी बदल जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से भी बहुत लाभ होता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने पे अगर 5 मिनट आप ये काम कर ले तो यकीन मानिए आपका भाग्य बदल सकता है। ज्योतिष आचार्य संतोष कुमार चौबे जी से बात करेंगे। संतोष जी एक बात बताइए, ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में ही बहुत पावरफुल होता है, उठने के बाद ऐसा क्या कर ले कि ये पावरफुल जो ये जो समय होता है ये और ज्यादा हमारे जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाए, क्या किया जाए? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही अपने आप में सकारात्मकता लाता है, पूरी तरह से जो है चेतना जागृत होती है, और उस समय जो भी हम पूजा पाठ ध्यान करते हैं उसका फल बहुत ज़्यादा हमको मिलता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, अगर ज़्यादा समय नहीं, अब 5 मिनट केवल अपने जो है इष्ट देवता का ध्यान करके और अपनी जो कामना है जीवन में एकदम सकारात्मकता के साथ पूर्ण निष्ठा और संकल्प के साथ जो प्रार्थना करिएगा कि हमको जीवन में ये चाहिए, वो प्रार्थना करना आप केवल प्रारंभ कर दीजिए, वो यूनिवर्स से वो चीज़ आपके जीवन में जो भाग्य में हो नहीं हो वो सब बनना चालू हो जाता है। जितना प्रबल आपका जो है विश्वास होगा, जितना संकल्प शक्ति होगा, वो चीज़ हम सृजन करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना और अपने इष्ट का ध्यान करके आपके जीवन में जो भी अपेक्षा है, कितना देर? कम से कम 5 मिनट डेली जो है, जो भी आपकी इच्छा है उसको मन में लेकर के संकल्प करके अपने इष्ट के सामने जो है डेली प्रार्थना करना कि हमारे जीवन में ये हो, और ये महसूस करिए कि ये हो जाएगा, ये होने वाला है, उसको सकारात्मक दृष्टि से सोचना चालू कर दीजिए, वो जीवन में बनना चालू हो जाएगा। क्योंकि मन की मन और संकल्प की शक्ति बहुत प्रबल होती है, जो प्रारब्ध में नहीं भी है वो भी प्राप्त किया जा सकता है। तो एक बात बताइए, सुबह उठ के नहाना वाना भी है कि कैसे? मतलब देखिए, नहाना ध्यान और आपके जो है साधना के बल को बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे समय का भी महत्व होता है ना, जैसे आप एक सड़क पे पूजा बैठ के करिए, एक एकांत में करिए तो अंतर आता है कि नहीं। तो जितना अगर नहा ले रहे हैं आप, तो शरीर की शुद्धि भी जो है ना, आपके मन और एक वातावरण अनुकूल होगा, मन प्रसन्न होगा, तभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्नान यथासंभव कर लेना चाहिए और एकदम भाव बल से, एकदम निर्विचार होकर के, एकदम संकल्प शक्ति के साथ जो है जो भी जीवन में प्रार्थना है, अगर किसी के मान लीजिए कुंडली में विवाह योग है ही नहीं, अगर डेली वो सोचने लगे कि नहीं हमारे जीवन में विवाह हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए, जिस हिसाब से वो संकल्पना करके डेली प्रार्थना करेगा वैसा उसके जीवन में बनना चालू हो जाएगा। तो ये संकल्प शक्ति होती है। ठीक है, और इसके द्वारा जो है जो जीवन में नहीं है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं।